हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल टॉपर्स टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का है। तो गाइज, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यू, जैसे हम करते आए हैं, एंड दिस इज पार्ट 6 ऑफ द वीडियो। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ को हम शुरू करते हैं। तो फॉल आर्मी बॉम्ब अटैक द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन असम। तो देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि आर्मी बॉम्ब का हमें क्या करना है, ये कैसे रिलेटेड है आपके एग्जाम के लिए, ईपीएफओ के लिए। तो आपको पता है कि जनरल साइंस में आपका माइक्रोब्स का चैप्टर डील होगा, और माइक्रोब्स के चैप्टर में और इवन करंट अफेयर्स में और इन्वायरमेंट जैसी चीज़ें जो होती है, जो कि आपके करंट अफेयर्स में पूछी जाते हैं, उसमें ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आपको इसके बारे में सिर्फ ब्रीफ नॉलेज होनी ज़रूरी है कि अगर बाय चांस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्मी बॉम्ब है क्या। तो देखिए, ये एक इंसेक्ट है जो बेसिकली, अगर आप देखते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका। जस्ट ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है और जो सेंट्रल पार्ट है, इन दोनों एरियाज़ के अंदर ये पाया जाता है, और उसके साथ पूरे साउथ अमेरिका के अंदर ये पाया जाता है। तो अगर ये ईस्टर्न और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और साउथ अमेरिका का है, तो ये इंडिया में कैसे आ रहा है? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है उनकी क्या होती है, ट्रेडिंग होती है कंट्रीज़ के बीच में। तो ट्रेडिंग की वजह से ये जो बग है, ये जो आर्मी बॉम्ब है, ये सप्लाई हो जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। फर्स्ट थिंग जो आपको अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखनी है, वो तो ये कि ये कहाँ का नेटिव है इंसेक्ट जो है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपको ये पता होना चाहिए अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कि इंडिया के अंदर आने के बाद भी ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों जाता है। क्योंकि देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है। तो इंडिया का ये जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहाँ पे कि ज़्यादा हीट है, मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है पहले वो भी मैं आपको बता दूं कि जब हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल जैसी कंडीशन होती है तो हम उसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से ये जो है स्प्रेड होता है और अच्छे तरीके से अपने आप को सस्टेन भी कर पाता है। तो एक चीज़ और, फिर ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या याद रखना है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि ये जो है इंसेक्ट जब छोटा है ये कोई आपको डैमेज कॉज नहीं करेगा। इवन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि एक फुली इंसेक्ट बन जाए। जब ये इंसेक्ट अपने लार्वा स्टेज में होता है तभी ये बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर देता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना पहले मुश्किल हो जाता है। और अगर हम देखें कि क्रॉप्स की कौन कौन सी वैरायटी को ये करता है, तो जितनी भी वैरायटी होती है, स्पीशीज़ होती है क्रॉप्स की, ये मोस्टली को अफेक्ट करता है। बट अगर हम मेजरली देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन में ये दिया जाए कि 4 क्रॉप्स आपको दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि आर्मी बॉम्ब किसको करता है, और आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप मेज़ को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये मेजरली मेज़ को चूज़ करता है। और इसको इंसेक्टिसाइड्स के थ्रू, इंटरक्रॉपिंग के थ्रू, ये चीज़ें आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि प्रीलियम्स के लिए। तो ये सिर्फ कंट्रोल करने के मेजर्स बताए गए हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फूड ग्रेन्स टू बी प्रोवाइडेड टू नॉन NFSA बेनिफिशियरी। तो देखिए, नॉन फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उनके अंदर जो पॉपुलेशन कवर नहीं की जाती थी, बट हमें पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि ग्रेन्स मिल सके। तो इस वजह से जो लोग कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कवर नहीं किए गए थे और उनके पास राशन कार्ड है, बस सिर्फ राशन कार्ड है, तो उनको भी अब ये फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे फैसिलिटी किसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये प्रोक्योरमेंट की जाएगी, ये ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और देखिए, जहाँ पे आप देखते हैं कि जो NFSA एक्ट के अंदर लोग आते हैं तो उनको कितना सस्ता सब कुछ मिलता है, वो जो उनको 3 रुपये का जो है वो राइस मिल जाता है, 2 रुपये का आटा मिल जाता है, मतलब गेहूँ मिल जाता है। बट यहाँ पे जो ये इन लोगों के लिए फिक्स प्राइस किया गया है वो थोड़ा अलग रखा गया है। जो बेनिफिशियरी होंगे, जिसे अभी लॉकडाउन के चलते इन चीज़ों को मिलेगा, ये सारे ग्रेन्स मिलेंगे, तो 5 kg पर पर्सन मिलेगा पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। एक तो ये ड्यूरेशन आपको याद रखनी है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो 2 और 3 रुपये में राइस और वीट मिला करता था, ऐसा अभी नहीं होगा। ₹21 पर kg पे वीट मिलेगा और ₹22 पर kg पे राइस मिलेगा। तो ये दोनों रेट्स आपको याद रखने हैं, आपको 2 रुपीज़ या 3 रुपीज़ में ये नहीं मिलेगा। तो UPSC आपको इस तरीके से कंफ्यूज करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या, जिसको मैं अपने इकोनॉमी में डिस्कस कर चुकी हूँ, पहले करंट अफेयर्स में भी कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा
इम्पोर्टेंस है, पहले भी इम्पोर्टेंस थी और अब कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर बनाया था, जिसमें कि 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को कवर किया जाता है और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट फॉर योर एग्जाम एंड दिस इज सेकंड पॉइंट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद देखिए क्या होता है कि ये जो टारगेटेड पॉपुलेशन है जिसमें हमने 75% और 50% को डिस्कस किया, तो इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन मिलता है अंडर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे कि 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है कवर होते हैं। दिस इज थर्ड पॉइंट फॉर योर एग्जाम। और फोर्थ और लास्ट है कि इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती है और जो फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो ये वाला जो है मिनिस्ट्री इसके अंडर इन्वॉल्व होगा, ये इम्प्लीमेंटिंग होगी। तो ये मिनिस्ट्रीज जो होती है, ये छोटे छोटे UPSC कन्फ्यूज करती है मिनिस्ट्रीज के नाम देखे। और एक चीज़ और, कल वीडियो नहीं आई थी क्योंकि कल संडे था, संडे को हर किसी को ब्रेक लेना चाहिए अपने रिवीजन के लिए और थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज़ को भी देना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक आप पढ़ पढ़ के अपने आप पे बर्डन मत दीजिए, थोड़ा सा रिवाइव होइए ताकि मंडे से आप दोबारा अपनी पढ़ाई को शुरू कर सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते, हमें सपोर्ट चाहिए आपका। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं, डेट इज़ अबाउट स्टेट्स आस्क टू इम्प्लीमेंट मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो देखिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि UPSC में इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चंस आते हैं और मैंने एग्रीकल्चर चैप्टर जो है अपना इंडियन इकोनॉमी का उसमें से डिस्कस भी किया था, बट अगेन अभी एग्जाम्स में है तो हमें जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करने होंगे यहाँ पे। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने सभी स्टेट गवर्नमेंट को, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उनको ये कहा है कि आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ताकि जो पेरिशेबल क्रॉप्स है, ये अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि पेरिशेबल क्रॉप्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो पेरिशेबल क्रॉप्स जो होते हैं उनके गुड प्राइसेस को इंश्योर करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स को अब स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है क्या? तो देखिए क्या होता है कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं उनके ग्रोअर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को बनाया जाता है, ताकि जब उसकी डिस्ट्रेस सेल्स है, मतलब कि सेल्स में कमी आ रही है, जो बेटर प्राइसेस है वो फार्मर्स को नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस टाइम में जब प्राइसेस घट रहे हैं किसी भी क्रॉप के या फिर किसी भी कमोडिटी के, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है फार्मर्स को, उस टाइम मार्केट इंटरवेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट की जाती है। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो है वो हमेशा स्टेट्स के थ्रू इन्वोक की जाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। तो दिस इज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखिए, ये करी क्यों जाती है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जितना भी लॉस हुआ है प्रोक्योरमेंट का, जितना भी प्राइसेस में कमी आई है फार्मर्स को देने के लिए, तो उसका जितना भी लॉस होता है उसका 50% अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। ये तो हो गई स्टेट गवर्नमेंट के बाद, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कह रही है कि इस चीज़ को इन्वोक कीजिए और स्टेट गवर्नमेंट को इसका 50% भुगतान भी करना पड़ता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको क्यों करे? क्योंकि देखिए, जो रिमेनिंग लॉस होता है उसको सेंटर के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे जो सेंटर है वो ये देखती है कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 10% की कमी आई है प्राइसेस में, तो 10% फॉल इन रूलिंग मार्केट प्राइसेस में आने की वजह से जो 50% है वो तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ किया गया और जो बाकी का बच जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन्वोक कर सकती है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को। तो ये वाला पॉइंट आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है। अब इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या किसके थ्रू जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के थ्रू इसका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली कहती है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट इसे इन्वोक कर देती है। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट गमोसास इवॉल्व एज प्रोटेक्टिव गियर अमिस्ट COVID-19 पैंडेमिक। तो गमोसास है क्या? अगर आपने जो परसों का वो देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने CMs के साथ जो है मीटिंग की थी, तो उसमें आपने देखा होगा उन्होंने कोई स्टरलाइज मास्क नहीं लगाया था, उन्होंने सिंपल एक वाइट कपड़े से अपने फेस को ढका हुआ था, जिसमें वो ये सिंबलाइज करना चाहते थे, लोगों को ये बताना चाहते थे कि ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए कि आपके पास मास्क नहीं है तो आप लगाएंगे नहीं, आप अपने फेस को किसी भी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये जो गमोसा है ये है क्या? तो ये देखिए, ये असम का एक टावल टाइप होता है जो कि वाइट कलर का होता है और जिसकी बाउंड्री रेड कलर की होती है,
और इस तरीके से बॉर्डर्स पे डिज़ाइन बने होते हैं। तो ये क्या है, गमोसाज है। तो गमोसा सोच के आप ये सोच सकते हैं कि कोई साइंटिफिक टूल है, तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गमोसा है क्या। तो ये एक डेकोरेटिव कॉटन टावल है, जिसमें कि बेसिकली अब इसको प्रोटेक्टिव गियर की तरह यूज़ किया जा रहा है टू फाइट कोरोना वायरस। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट सिग्निफिकेंस का, और ये बिलोंग कहाँ से करता है, तो ये असम से बिलोंग करता है। ये आपको याद रखना है, पहली क्या चीज़ है ये याद रखना है, और कहाँ से बिलोंग करता है फिर ये याद रखना है। तो ये वाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लोथ होता है, ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है कि रेड बॉर्डर और ये चीज़ें, ये सब आपको एक डिस्क्रिप्शन के लिए दिया। तो रेड बॉर्डर होता है, रेड वीवन मोटिव्स होते हैं, मतलब कि ऐसे बाउंड्री पे डिजाइन्स बने होते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये किस मटेरियल से बना होता है, तो कॉटन यार्न से बना होता है, मतलब स्पेसिफिकली ये कॉटन का होता है। और अगर स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो इसको कॉटन यार्न का ना बना के जो सिल्क होती है उससे बनाया जाता है। और ये जो विजिटर्स आते हैं, मतलब असम में अगर कोई घूमने आता है, तो उसको एज एन स्कार्फ या एंटी डस्ट मास्क या फिर एज एन टर्बन इसको दिया जाता है, गिफ्ट किया जाता है। तो ये गमोसा हो गया आपका। उसके बाद हम आज की लास्ट न्यूज़ देखते हैं, दैट इज़ चित्र एक्रिलोसबस सिक्रीशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम, ये क्या है। तो देखिए आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे से वायरस स्प्रेड होता कैसे है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आपके नेजल ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं जो नोज से निकलते हैं, या फिर आपके माउथ के ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। तो जो फ्लूडी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा फैलती है, ज़्यादा स्प्रेड करती है। तो इस चीज़ को कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे वो डेली पेशेंट्स के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो उनके फ्लूड्स, और आपने देखा होगा कि जमात जो थी वो ये चीज़ कर भी रही थी, जो जमाती लोग थे वो हर जगह थूक रहे थे, स्पिट कर रहे थे, ताकि ये वायरस फैल सके। तो इस कंडीशन में इस मटेरियल को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो ये जो चित्रा एक्लियोजोब सिक्रीशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम है, ये बेसिकली क्या है कि एक सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। सुपर एब्जॉर्बेंट का क्या, अगर आप एक स्पंज देखते हैं, अगर आप उसको किसी लिक्विड में रखते हैं तो वो सारा स्पंज उस लिक्विड को सोख लेता है, सेम ऐसे किया है। तो साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने श्री चित्रा ट्रिनोर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में इसको डेवलप किया है, और ये सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जिसको ये नाम दिया गया है। तो ये जो है, पहली बात तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में देख लीजिए, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मतलब जो अपनी वर्किंग खुद करता है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ किस तरीके का है। तो ये देखिए, ये छोटे छोटे इस तरीके के दाने हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लूड पड़ा है तो आप इसके ऊपर ये जो दाने हैं ये स्प्रेड करेंगे, तो ये जो दाने हैं ये बड़े साइज के हो जाएंगे और जितना भी फ्लूड है उसको सोख लेंगे। तो इस तरीके से जो वायरस होगा, जो कंटामिनेटेड चीजें होगी वो भी इसके अंदर चली जाएगी और फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो ये जो एक हाईली एफिशिएंट सुपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, जिसमें कि बेसिकली जो इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और देखिए ये जो लिक्विड है ये 20 टाइम्स मोर है कि अपने ड्राई बेड से, मतलब कि 20 टाइम्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये जो सूखा हुआ है तो ये इस ड्राई बेड इसका ये है बिल्कुल छोटा सा है, पर जैसे ही इसके अंदर फ्लूड आएगा तो ये 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और अपने जो वेट है उससे 20 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये अपने प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा। और वन थिंग मोर गाइस, आज मैं जनरल साइंस की वीडियो लेके आ रही हूँ। जनरल साइंस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। कई बार क्या है कि नोटिफिकेशंस नहीं पूछ पा रही है टेक्नोलॉजिकल इशू की वजह से। तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, उससे आप कनेक्टेड रहिए, ताकि अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आ रही है आपके पास तो आप वहां पे अपडेट रहे, आपको वहां नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर एब्जॉर्ब कर लिया है किसी फ्लूड को तो अब ये चीज़ जो है ये कंटामिनेटेड हो गई, अब हम इसको टच करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो हम दोबारा कंटामिनेटेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, इस पार्टिकल के अंदर जो है ये एक डिसइन्फेक्टेंट भी डाला गया है, ताकि अगर ये एब्जॉर्ब कर भी रहा है तो ये तभी की तभी डिसइन्फेक्टेंट हो जाएगा, मतलब कि जो डिकंटामिनेट हो जाएगा अपने आप ही और इस इन्फेक्शन को आगे नहीं बढ़ाएगा। और पे बेसिकली क्या है कि कंटेनर्स जो है उनको डिकंटामिनेट से भर दिया जाएगा, जो कि इमोबिलाइज नहीं किए जाएंगे और उसको सॉलिडिफाई कर देंगे, मतलब कि जब आपने इसको डाला, आप एक कंटेनर के अंदर डालिए, तो ये एक जेल बन जाएगा जो कि कंटामिनेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए कि ये जो बेसिकली है, अब आप इसको डिस्पोज कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी अभी रिलीजन चल रहा है, बट ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं उनको जला के आप उनका जो लास्ट रिचुअल है वो पूरा कीजिए। तो यहाँ पर इसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा, इसको
इनकिनरेशन से डिकम्पोज किया जाएगा। इनकिनरेशन जो है वो पहले प्रीवियसली पूछा जा चुका है कि ये टर्म क्या है, क्योंकि ये जनरल साइंस का टर्म है। तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ को जलाकर बर्न करके ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसके लिए इनकिनरेशन होता है। यहाँ पे इनकिनरेटर नाम की एक मशीन होती है जिसके अंदर आप चीज़ को डालते हैं और वो एकदम से जल के डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो ये जो सोलिडिफाइड मटेरियल होगा इसको इनकिनरेटर के अंदर डाला जाएगा और वो जल के ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो वर्ड है ये आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे जितना भी हॉस्पिटल स्टाफ है उसका रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखने की, जो भी पर्सनल और डिसइंफेक्टिंग क्लीनिंग द बॉटल्स है ये वाली चीज़ें भी अब नहीं हो पाएगी। एक चीज़ और याद रखने की, ये जो कैनिस्टर्स है इनको रीयूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको एक बार यूज़ किया तो फिर इसको फेंक दिया, और इसका डिस्पोजल भी सेफर है और ईजियर है। तो चलिए अब क्विज से शुरू करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का अगर डिक्लेरेशन करना होता है किसी इंडियन स्टेट के थ्रू तो पार्लियामेंट को कितने टाइम पीरियड के लिए अप्रूव करना होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, आपने सबसे पहले से ही आंसर दिया। हालांकि आपसे पहले शुभम ने आंसर दिया था, बट आपने एक्सप्लेनेशन भी दी है, क्योंकि देखिए 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारी 1978 की, उसमें क्या हुआ था कि इमरजेंसी जब लग चुकी थी तो बहुत सारे इमरजेंसी के डिसएडवांटेजेस निकल के आए, बहुत तरीके से पावर्स को मिसयूज़ किया गया था। तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आई थी 1978 में, जिसमें कि इस टाइम पीरियड को घटा के 2 मंथ से 1 मंथ कर दिया गया था। और मनीष ने ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल सही दी है, और हालांकि शुभम आपने भी सही आंसर दिया था, मनीष से पहले आंसर दिया था, बट शायद मुझे ये लगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं पता थी तो आपने 2 मंथ्स कर दिया। तो ए जो है 2 मंथ्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, आई विश कि आप ऐसे ही अपडेट रहेंगे, अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आप अपने एम को अचीव करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ कल के लिए, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रोजेक्ट प्राणा जो है वो न्यूज़ में था अभी रिसेंटली, तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट प्राणा किससे रिलेटेड है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या है और किससे रिलेटेड है। तो ए इसका ऑप्शन है एंश्योरिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बी डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस वेंटिलेटर, सी ट्रैकिंग COVID-19 केसेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसे अटैम्प्ट कीजिएगा। और अब हम आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज द गमोसा। गमोसा इज एन आर्टिकल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गमोसा जो है वो बेसिकली किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और इस आंसर कीजिए। ठीक है, डन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, असम के लोगों से बिलोंग करता है। तो ऐसे वन लाइनर जो क्वेश्चन है, वन वर्ड क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ईपीएफओ में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चित्र एक्रिलोजोब सिक्रीशन सोलिडिफिकेशन सिस्टम। तो ये क्या है, तो इसमें जो फर्स्ट है वो दिया है कि इट एज एन सुपर एब्जॉर्बेंट मटीरियल फॉर एब्जॉर्बिंग इन्फेक्टिंग रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, एंड सेकेंड दिया है कैनिस्टर कंटेनिंग द सोलिफाइड वेस्ट कैन नॉट बी रीयूज्ड। और इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए उसके अकॉर्डिंग है, ए इज वन ओनली, बी इज टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नोट टू। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कैनिस्टर्स जो है उनको रीयूज किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉल आर्मी बॉम्ब। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ नेटिव टू अफ्रीका, एंड सेकेंड इट कैन कोज सिग्निफिकेंट डैमेज टू क्रॉप्स वैन इट इज़ इन प्यूपल स्टेज। तो ए जो स्टेटमेंट्स है उसमें ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉट टू। तो प्लीज़ इसे पॉज कीजिए और अटैम्प्ट कीजिए। ओके, डन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये अफ्रीका का नेटिव नहीं है, ये जो है साउथ, ओके सॉरी अबाउट ब्रेक, तो ये अफ्रीका का नेटिव नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में मिलता है और साउदर्न अमेरिका का है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक आ गया है कि जब ये प्यूपल स्टेज में होता है उसी टाइम में ये स्पेसिफिक डैमेज शो कर देता है। तो प्यूपल स्टेज में नहीं, जब ये लार्वा स्टेज के अंदर होता है ये उससे में ही कर देता है। तो लार्वा स्टेज के बाद ही कहीं प्यूपल स्टेज आएगा तो ये उससे पहले ही डैमेज कॉज कर देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइदर वन नो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फूड ग्रेन शेयर बी प्रोवाइडेड टू नॉन एनएफएसए बेनिफिशियरी विद राशन कार्ड्स ओनली, एंड सेकंड इज दे शैल रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट फॉर 5 मंथ्स। तो इसका अटैम्प्ट कीजिए। ए इज वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नो टू।
ओके डन। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जिनके पास राशन कार्ड होगा उन्हीं बेनिफिशरीज को नॉन NFSA के फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हालांकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये 5 मंथ्स के लिए नहीं 3 मंथ्स के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज मीन टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज। सेकंड द स्टेट बियर हाफ द लॉस ऑफ प्रोक्योरमेंट। तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को देखिए, ए इज वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नो टू। ओके डन। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि स्टेट जो है वो हाफ लॉस ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है उसका लॉस कर लेता है, और ये जो है बेसिकली क्या करता है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए प्रोटेक्ट करता है ग्रोअर्स को। तो पेरिशेबल कमोडिटीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोनों ऑप्शन आपके सही है, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।